हर दौर में ऐसी शख्सियात जन्म लेती हैं जो अपने अमल से और अपनी फिक्र से लोगों को राह दिखाती हैं। उनकी जिंदगी का मकसद कौम मुल्क की तामीर होता है और अपनी मेहनत और सलाहियत से नौजवानों के अंदर नया जोश वलवला भर देती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत सैयद सईद अहमद की है। सैयद सईद अहमद का ताल्लुक तालिब इल्मों की ऐसी जमात से था जो बातिन में बेपनाह सलाहियत के मालिक थे लेकिन जाहिर में दूसरों के बिलमकाबिल कमतर समझते थे। सैयद सईद अहमद ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 23 साल तक मुलाजमत की और फिर ये फैसला किया कि वो नौजवानों को उनकी पोशीदा सलाहियतों से रूबरू कराएंगे और उनकी शख्सियत साजी करेंगे। तो वो चाहते थे कि जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने उनको अता की हैं उनका इस्तेमाल समाज की तामीर में हो और कौम के हुनहार बच्चे जो एहसास कमतरी में मुब्तला होकर अपनी सलाहियत को जाय कर रहे हैं उन्हें बता सकें कि वो तुम ही हो जिसे वक्त का रुख बदलना है। याद रखिए, बुरा दोस्त बुरी सहेली, बुरा दोस्त बुरी सहेली उस कोयले की तरह होता है जो गर्म होता है तो हाथ जला देता है, ठंडा होता है तो हाथ खड़े करता है। आसमानों में बस्तियां तामीर करने का अज़्म, जगमगाती कहकशां तस्खीर करने का अज़्म, अपना सिक्का सारे आलम में रवा करने का अज़्म। इल्म की बुनियाद पर तामीर होते हैं खौफ, लब पे टकरा आते ही दर खुल गया वजदान का, अपने खालिक से तारुफ हो गया इंसान का। अपनी सोच को जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है खुदा भी उसको नया आसमान देता है। माय नेम इज पूर्णिमा एंड मुझे वर्कशॉप से ये पता चला कि कैसे मोटिवेट होना है और कैसे कॉन्फिडेंस लेवल को रखना है और पढ़ाई करना है, और इन केस हम अगर मोटिवेट नहीं होते हैं तो सर है हमारे लिए जो कि बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। थैंक्स फॉर यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं बचपन से एक नोबेल प्राइज़ विनर बनना चाहती हूँ लेकिन आपका मतलब सईद सर का वर्कशॉप सुनने के बाद अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि मैं कुछ करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू। सैयद सईद अहमद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप से एसातिज़ा, वालदैन और दिगर अफराद भी इस्तेफादा करते हैं क्योंकि हर शख्स को इसकी ज़रूरत महसूस होती है जब वो उनके वर्कशॉप में शिरकत करता है। आज ही आम्ही सईद साहेबांचं लेक्चर ठेवलेलं होतं, त्याच्यात खास करून सेल्फ मोटिवेशन हा सब्जेक्ट होता। यांच्यासारखे सईद भाईंसारखे असे अनेक स्वयंसेवक जे समाजात खरं काम करू इच्छितात, नाव पैसा किंवा प्रसिद्धी याच्यापेक्षा बाजूला राहून ज्यांना समाजात काहीतरी बदल घडवून आणण्याची इच्छा आहे अशांनी पुढे यायला पाहिजे। पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए मैं आई हूँ इधर और मैं अपने आप में बहुत सारे तब्दीली महसूस कर रही हूँ। आई वॉज लैकिंग बिहाइंड द पीपल, दैट्स व्हाई आई केम एंड जॉइन दिस कैंपेन। ऐसा कि हमें टीचर बनना है, हमें टीचर बनने के लिए आए हैं और जो पीटी क्लास में ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ी ये फायदा हुआ कि अब जब मैं नेक्स्ट टाइम किसी भी स्टूडेंट के सामने जाऊंगी तो सबसे पहले मैं उन्हें अपने आई कॉन्टेक्ट किस तरह से करना है ये मुझे सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता चली। लास्ट टाइम भी जब हमने सईद साहब को बुलवाया था पूना से और उतना रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला वो लोग का, और फीडबैक जो जब हमने लिया जो स्टूडेंट्स थे वो लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमने फिर उन्हें दावत दी। सईद साहब ने ये मुश्किल काम हाथ में लिया है, वो जो हमने पिछले 3 दिनों से अपनी यूनिवर्सिटी में देखा कि उन बच्चों को जो आमतौर से मुतवस्सित तबके से आते हैं उनको ये सिखाना कि तालीम के साथ साथ उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो बाहर जाके तालीमी इदारों से निकल के जाए और अपने आप को सेल कर सके। आजकल मॉल कल्चर है तो खुद भी अपने आप को कैसे परफॉर्म करना, कैसे खड़े रहना। बैक इन द हार्ट ऑफ कोंडवा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज स्पेशली डिजाइन कम्युनिटी बाय सैयद भाई। डर के आगे जीत है, क्या बात। हाँ, ये डिपेंड किसे कहते हैं, ये डिपेंड करता है अपने अपनी सोच पर। मुझे मेरा प्रोफेशन मेरी हॉबी बनना चाहिए। आजकल कामयाबी के डेफिनेशन क्या है, सक्सेस मतलब पैसा, पैसे की तो जरूरत है जी, ये कामयाबी नहीं हो सकती। कामयाबी का डेफिनेशन क्या है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कल्बी सुकून। आप सिवा अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं हैं, आप कामयाब हैं। आप दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं, आप कामयाब हैं। कामयाब एक दिन।
विश्वास विश्वास हम होंगे एक दिन इंशाल्लाह जरूर।